हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हिमानी और आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल अशाका एजुकेशन में। जैसा कि आप जानते हैं, हम वैदिक मैथ्स की पूरी सीरीज बनाने वाले हैं और हम अपना पूरा कोर्स वैदिक मैथ्स का यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम कवर करने वाले हैं हमारा टॉपिक रैपिड मल्टीप्लीकेशन। लाइक मल्टीप्लीकेशन वर्ड से ही आपको थोड़ा टेंशन हो जाती है, लाइक ये तो बहुत ज़्यादा टाइमिंग रहती है, मतलब बहुत लोग जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो पहले एक नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन सीरीज चलती रहती है, देन वो बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसीजर हो जाता है। देन वैदिक मैथ्स में जैसे कि आप सब जानते ही हैं, उसमें कुछ ट्रिक्स रहती हैं जिनको फॉलो करके हम मैथ्स के क्वेश्चन को बहुत कम टाइम में सॉल्व कर लेते हैं। तो आज मैं यही कुछ लेकर आई हूँ, कुछ ट्रिक्स हैं मल्टीप्लीकेशन की सिंगल डिजिट्स के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, देन उस ट्रिक को हम यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं। आपको मैं बताने वाली हूँ कैसे आप कुछ ही सेकंड्स के अंदर एक क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है 8136 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत ही इजी है। 2 6 12, 2 6 6, यहाँ पर 6 लिखेंगे तो 06 करके लिखेंगे, सिंगल डिजिट हमें यहाँ पर नहीं लिखना है। नेक्स्ट है हमारा 2 2, देन 02 एंड 2 8 16 16। फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट डिजिट को हम ऐसे ही लिखेंगे एज इट इज। नेक्स्ट में 6 + 1 7, 0 + 2 2, 0 + 6 6, एंड 1 एज इट इज, देन आंसर विल बी 16272। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 1 2 4 को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, देन 4 16 16, 4 8, देन 08, बिकॉज हम सिंगल डिजिट नहीं लिखते हैं। देन हो गया हमारा 4 1 4 0 4, एंड देन 4 3 12 1 2। अभी हम करेंगे लास्ट डिजिट एज इट इज। नेक्स्ट में हम करेंगे 1 8 9, 0 4 4, 0 2 2 1 एज इट इज। ये हो गया हमारा आंसर 1 2 4 9 6। नेक्स्ट है हमारा 5 6 7 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को पहले 1 से किया 8, देन 0 8 लिखेंगे, 8 7 56, 8 6 48 8 5 48 as it is 0 6 को add किया 6 5 and 8 को add किया 13 1 carry forward करेंगे 4 and 0 को add किया 4 4 plus 1 5 and 4 as it is। आप देख सकते हैं कितने ही कम टाइम में हम इजिली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा 5 1 2 0 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 6 0 से मल्टीप्लाई किया 0, देन सिंगल में नहीं लिखेंगे 0 को भी, इसमें भी डबल के साथ लिखेंगे, देन 0 0, 6 2 12, 6 1 6 6 5 13, देन 0 एज इट इज, 0 2 2 1 6 6, 0 0 0 3, आंसर विल बी 30620। ये हो गया हमारे कुछ क्वेश्चंस मल्टीप्लीकेशन के। जितने भी यहाँ पर आपको मल्टीप्लीकेशन के क्वेश्चंस मिलेंगे, लाइक यहाँ पर हमने 2 4 8 and 6 से किया है, आप 1 से करेंगे, 2 से करेंगे, 3 4 5 6 7 8 9, उन सब में आप बिल्कुल सेम मैथड को यहाँ पर फॉलो करेंगे एंड बहुत ज़्यादा इजी वे में आपकी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। तो इसी तरीके से हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, देन आप उनको प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को। एंड इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है, देन आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे कुछ भी क्वेरी सॉल्व करा सकते हैं, लाइक कुछ भी प्रॉब्लम जो भी रहती है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसी तरीके से सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच।